अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कितने ही विवादों में घिरे रहे पवन सिंह, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करना बखूबी जानते हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह इन दिनों आरा में है और आरा में उनके साथ रानी चटर्जी भी हैं। रानी चटर्जी उनके आरा वाले घर के टेरिस पर एक गाने की शूटिंग कर रही हैं। देखिए पहले आप इसका वीडियो और फिर हम आपको बताते हैं कि ये वीडियो क्यों खास होने वाला है। आपको तो पता ही है रानी चटर्जी पवन सिंह के कहने पर मुंबई से आरा आ चुकी हैं और उनके साथ लगातार कई गानों में नजर आएंगे, चाहे वो बोलबम का गाना हो, फिर वो चाहे रोमांटिक गाना हो और फिर वो चाहे सैड सॉन्ग हो। जी हाँ, रानी चटर्जी और पवन सिंह की नई नई दोस्ती। जी हाँ, नई नई दोस्ती इसलिए क्योंकि इनकी पुरानी दोस्ती में एक बार दरार आ गई थी और फिर जब पुराने दोस्त नए सिरे से दोस्त बनते हैं तो उनकी दोस्ती में कुछ ज़्यादा ही गर्मजोशी होती है। वैसे आपको इसके साथ एक और फोटो आजकल खूब हैरान की होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रानी चटर्जी की मंगनी हो रही है। जी हाँ, वो भी एक सैड सॉन्ग का हिस्सा है। आपको बता दें कि रानी चटर्जी जिस इंसान से मंगनी कर रही है वो कोई और नहीं, पवन सिंह के मैनेजर हैं और ये सब रियल नहीं, रील में हो रहा है, यानी कि इसकी शूटिंग चल रही है। ये सब कुछ हकीकत नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ एक गाने की शूटिंग हो रही है। और जैसे ही ये फोटो सभी के सामने आई सभी बहुत चक्के रह गए कि सभी को लगा पवन सिंह ने रानी चटर्जी को किसी शूटिंग वूटिंग के लिए नहीं बुलाया बल्कि मंगनी करने के लिए बुलाया। यहाँ पर फिर तुरंत इस बात की क्लियरिफिकेशन भी किया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ गाने की शूटिंग है, जहाँ पर एक सीक्वेंस ऐसा आता है रानी चटर्जी की मंगनी हो रही है और वहाँ पर पवन सिंह गाना गा रहे हैं। खैर, आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा पवन सिंह की एक फिल्म की भी शूटिंग होने वाली है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है फिल्म शपथ। जी हाँ, फिल्म शपथ में रानी चटर्जी पवन सिंह के साथ नज़र आएंगी। पवन सिंह और रानी चटर्जी की ऑलमोस्ट ये फिक्स्ड फिल्म हो चुकी है कि इस फिल्म में शपथ में रानी चटर्जी अपोजिट होंगी पवन सिंह के। काफ़ी लंबे अंतराल बाद ये दोनों साथ आएंगे और यकीन मानिए ये दोनों काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं एक साथ। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।